नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जे जे एन न्यूज में। मैं हूं आपके साथ रेनू सुनीता। नैनीताल जिले में लगातार बारिश और भूस्खलन के चलते सड़कें अवरुद्ध हो गई हैं और सड़कें अवरुद्ध होने की वजह से कोई भी रास्ता नहीं होने से नागरिक फंस गए हैं। कई अलग अलग जगहों पर मकान क्षतिग्रस्त हो गए हैं। स्थानीय प्रशासन, पुलिस और SDRF को बचाव कार्यों में लगाया गया है। हालांकि रुकावटों के कारण कई स्थानों पर पहुंचना मुश्किल हो रहा है। गर्म पानी और खैरना क्षेत्र के पास स्थिति बहुत गंभीर बनी हुई है। शिप्रा नदी के अत्यधिक प्रवाह में होने से इमारतों पर भी संकट मंडरा रहा है। परिस्थिति के गंभीर होने पर प्रशासन ने भारतीय सेना की रानीखेत से 14 डोगरा बटालियन को राहत के लिए निवेदन किया। संदेश मिलने के 30 मिनट के अंदर जवान डोगरा बटालियन की रेस्क्यू टुकड़ी रानीखेत से खैरना की ओर रवाना हो गई। कम समय होने के बावजूद सेना अपने साथ बचाव से संबंधित सभी उपकरण और फंसे हुए लोगों के लिए पैक्ड खाना लेकर आई। डोगरा बटालियन की मेडिकल टीम अपने प्रशिक्षित मेडिकल स्टाफ और उपकरणों के साथ रेस्क्यू टीम का भी हिस्सा बनी। रानीखेत से खैरना तक के मार्ग में भूस्खलन होने से सेना की रेस्क्यू टीम दोपहर 3 बजे खैरना पहुंची। प्रभावित क्षेत्र में पहुंचते ही भारतीय सेना के अधिकारियों ने मौजूदा प्रशासन के अधिकारियों से परिस्थिति का जायजा लिया और भारतीय सेना के जवानों ने खैरना में फंसे 500 लोगों को पैकेट बंद भोजन और खाने पीने की सामग्री बांट स्थानीय लोगों को राहत प्रदान की। उनको राहत सामग्री पहुंचाने का काम 14 डोगरा रेजिमेंट रानीखेत ने किया है, तो उसमें बहुत ही शॉर्ट नोटिस में लगभग उनके 100 जवान हैं वहाँ पे। लगातार रात भर उन्होंने खाद्य सामग्री पहुँचाई प्रशासन के साथ मिलके, पका हुआ खाना उनको सर्व किया, गाड़ियों में भी जो लोग सो रहे थे, तो उसके लिए मैं आभार उनका व्यक्त करना चाह रहा हूँ। तो मौसम से जुड़ी इस खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी की खबरों के लिए आप देखते रहिए जे जे एन न्यूज़। नमस्कार।